हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सभी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग। और समय को वेस्ट ना करते हुए आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी हमारे चैनल पर अपने पार्टनर्स के लिए रीडिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से हम दो कार्ड्स निकालेंगे और उन कार्ड्स से फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए हिडन डिजायर्स क्या हैं, उनकी डीप हिडन डिजायर्स क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट कार्ड्स हैं, चेक करेंगे। इनमें से हम दो कार्ड निकालेंगे। थैंक यू। मेडिटेशन। सेपरेशन। यहाँ पर ये दो कार्ड्स मैंने निकाले हैं। अब हम चेक करेंगे कि उनकी क्या डीप डिजायर्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सब दो कार्ड निकल कर आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेडिटेशन एंड सेपरेशन। तो पहले हम कार्ड नंबर वन से शुरू करेंगे, पायल वन से चेक करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या है उनकी डीप हिडन डिजायर्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की डीप हिडन डिजायर्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की डीप हिडन डिजायर्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक जस्टिस। माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो जोडियक साइन है, यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। तो ये साइन यहाँ पर मौजूद हैं। मेडिटेशन, जैसा कि सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है मेडिटेशन का, फ्रेंड्स इस कार्ड से मुझे जो वाइब्रेशंस मिल रही हैं, जो एनर्जी मिल रही है आपके लिए, वो ये है कि हो सकता है कि डिवाइन और यूनिवर्स ये चाहती हैं कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। बेशक 10 मिनट का कीजिए, लेकिन ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिएगा, खुद की सांसों पर बैलेंस बनाइएगा और डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो वर्ल्ड कार्ड है सबसे पहला। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है निकल कर आपके लिए कि अगर आप पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा आपाधापी में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुद की हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि आपके पार्टनर की आपके लिए डीप डिजायर्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल आपके साथ बिताना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों का ही माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर अलाइनमेंट हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी से जुड़े हों, आप दोनों ही एक दूसरे को ईच एंड एवरी लेवल पर क्रॉस करते हों, एक दूसरे को, दूसरे शब्दों में कहें तो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो आप दोनों। कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर मैसेज है कि वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं,
थोड़ा सा वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की जो ख्वाहिश है आपके साथ, सबसे पहली तो ये है कि वो चाहते हैं कि आप खुद पर बेटर वर्क करो, आप खुद पर फोकस करो, अपने लिए एक अच्छी डाइट मेंटेन करो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स यहाँ पर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और जीवन की दौड़ में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, इस वजह से आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप ग्रूम करो, खुद पर वर्क करो, खुद पे फोकस करो और उनकी ये डीप डिजायर है कि आप हेल्दी हो, वेल्दी हो और उनके साथ लाइफ टाइम कदम से कदम मिलाकर चल सको, इस तरह की उनकी डीप डिजायर है आपके पार्टनर की आपके लिए। 10 ऑफ कप्स। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अपने व्यूअर्स के साथ फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, उनकी ये डीप डिजायर है, उनकी ये हिडन दबी हुई ख्वाहिश है, बेशक आपसे नहीं बताया हो, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया हो, लेकिन दिल ही दिल में उनकी एक ख्वाहिश है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बनो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो उनकी एक डिजायर ये भी है कि आप एज ए पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आओ और उनके बच्चों की मदर बनो या फिर फादर बनो। 2 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप दोनों अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से हैंडल करो, जो उनकी डिजायर है वो ये है कि आप दोनों अपनी फैमिली को भी संभालें और दोनों फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी साथ में वर्क करें, आप दोनों साथ में जॉब करें, दोनों वर्क करें और आपके प्यार में कभी कमी ना आए दोनों के। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के प्यार का जो प्याला है वो हमेशा भरा रहे, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ही पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, बेशक दोनों कितने ही काम में बिजी हों, कितने ही अपने वर्क प्लेस पर बिजी हों, लेकिन दोनों जब मिलें एक दूसरे से तो बिल्कुल फुल ऑफ लव एनर्जी के साथ। तो आपके पार्टनर की जो हिडन डिजायर्स हैं वो ये हैं कि वो सपने देखते हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का, दोनों साथ में वर्क करें और दोनों एक दूसरे को मैच्योरिटी के साथ प्यार करें। द एम्परर, 6 ऑफ कॉइन्स। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एरीज एनर्जी में हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं वो, और लियो और एरीज के जो पर्सन होते हैं वो थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा सा उनका जो डिसीजन टेकिंग का होता है बहुत जल्दी होता है, सडन डिसीजन ले लेते हैं। तो कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं द एम्परर, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आपको सोच समझ कर उनके डिसीजन के लिए हामी भरनी है। 6 ऑफ कॉइन्स। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, अगर ये पार्टनर आपके जो आपके लिए डीप हिडन डिजायर्स रखते हैं, अगर ये आपको इक्वल पार्टनरशिप देते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में इक्वलिटी है, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, दोनों इक्वल एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो आप बिल्कुल इस रिश्ते में आगे बढ़ सकती हैं या बढ़ सकते हैं। एक बैलेंस का कार्ड है जो यहाँ पर मेडिटेशन का आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं ना, ये स्टोन है, स्टोन के ऊपर ये स्टोन इस तरीके से लगे हुए हैं कि इनमें एक बैलेंस है, और इस रीडिंग में भी वही बैलेंस की बात हो रही है कि आपके पार्टनर एक बैलेंस्ड पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में और उनको वो चीज़ें आप में नज़र आती हैं, उनको वो क्वालिटी आपके अंदर नज़र आती है कि आप उनके एक बेटर पार्टनर साबित हो सकते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ आप दोनों व्यतीत कर सकते हैं, ये उनकी डीप हिडन डिजायर्स है और इसीलिए ये कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस, आप दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें हर मैटर पर, हर विषय पर,
ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो आपको आपके रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, आप दोनों इक्वल एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरत यह है कि आप सिर्फ उनके ही नज़रिए से ना सोचें, खुद के बारे में भी सोचें। और अगर आपके पार्टनर आपके लिए बेटर साबित होते हैं तो बिल्कुल इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपके पार्टनर की डीप हिडन डिजायर्स हैं जो वो आपके लिए चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रीडिंग? आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हैं, मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल टू। तो हमारे जिन व्यूअर्स ने सेपरेशन कार्ड को चुना है, देखते हैं कि आपके लिए उनकी डीप हिडन डिजायर्स क्या हैं। क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए डीप हिडन डिजायर्स? थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए क्या डीप हिडन डिजायर्स हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल नंबर 36। मे बी आपका एज हो सकता है ये 36, 32, 34, 13, 16, नंबर 29, नंबर 2, नंबर 3, 20 एंड 52, 47। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे एज गैप दिख रहा है। मे बी मेरे व्यूअर्स एज गैप में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 36 ईयर ओल्ड हों या आपके पार्टनर, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे 47, 40, 38 इस एज ग्रुप में दिख रहे हैं। तो जो भी आपका एज ग्रुप हो फ्रेंड्स, आप दोनों में कुछ व्यूअर्स में एज डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मुझे कपल दिख रहा है, दोनों कपल हैं, थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन। तो आपके पार्टनर की आपके लिए जो डीप हिडन डिजायर्स हैं वो ये हैं कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, आपको लेकर बहुत पजेसिव हैं और आपको दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की डीप हिडन डिजायर है कि वो आपको दूसरों से छिपा के रखें, पर्दे में रखें, यहाँ तक कि उनके दोस्तों की, उनके कलीग्स की, किसी की निगाह आप पर ना पड़े। आपके पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आप बहुत ही उनके लिए एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। 20 NV। समटाइम दूसरे लोग आपको देखते हैं या आपसे बातें करते हैं या आपके करीब आने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर को बहुत ईर्ष्या होती है। उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं कि कोई भी पर्सन आकर आपसे मिले या आपको रूबरू देखे या आपसे बातें करे। वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, उनकी ये डिजायर है कि आप सिर्फ उनकी होके रहो, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे मिलें। गॉडेस ऑफ द मून,
उनकी निगाह में आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी स्माइल, आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का ढंग, ईच एंड एवरी थिंग ऐसी है कि वो बस फिदा हैं, हर एक अदा पर फिदा हैं। एज ए गॉडेस मानते हैं आपको द वर्ल्ड। उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, और आपसे ज़्यादा उनको कोई भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आपसे ज़्यादा उनको कोई भी प्यारा नहीं है। 29 नंबर, 9211, तो ये सोलमेट का नंबर भी है। तो आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, डीप सोलमेट हो सकते हैं। जर्नी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी हो कि आप पास्ट में भी साथ रहे हों, पास्ट में भी आप एक दूसरे को मिले हैं किसी ना किसी कारणवश, और इस जन्म में फिर से मिल रहे हैं, वेटिंग में हैं। कुछ ऐसा है जरूर यहाँ पर जो आपका पार्टनर आपके लिए वेट कर रहा है, या आपका इंतजार कर रहा है, या कर रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी लाइफ में आगे एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाला है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस इन द सेंस कि आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी ना किसी डीप कमिटमेंट में बन सकते हैं। आपके पार्टनर की ये डिज़ायर है कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ रहें, आपसे दूर नहीं हो, और सॉलिड लेवल पर हो कमिटमेंट। एक दूसरे के लिए जैसे आप सामने से हैं वैसे पीठ पीछे भी हों। अगर आप पीठ पीछे भी किसी के साथ हैं तो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहें, ये उनकी डीप हिडन डिजायर है आपके लिए। आपको लेकर बहुत पजेसिव हैं, उनको ये लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में जो एक कमी थी वो पूरी हो गई है। कंप्लीट फील करते हैं खुद को, उनको ये लगता है कि आप उनके लिए बहुत शुभ हो, बहुत गुड लुकिंग हो, आप उनके लिए आप एक तरीके से गुड लक हो, गुड लक चार्म की तरह से आपको समझते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, स्ट्रेटजी, समटाइम वो ये स्ट्रेटजी भी बनाते हैं कि कोई भी आपका करीबी या आपका कोई फ्रेंड आपके ज़्यादा करीब ना हो पाए। समटाइम आपके फोन्स चेक करते होंगे, समटाइम आपको देखते होंगे, समटाइम आपसे क्वेश्चन करते होंगे, और किसी टाइम अगर ऐसा हुआ कि आप फ़ोन पर बिज़ी हो और उनका कॉल आ रहा है तो आपसे शायद है कि क्वेश्चंस की वो झड़ी लगा देते होंगे, किसके साथ बात कर रही थी, कहाँ बात कर रही थी, क्योंकि वो थोड़े से डरे हुए हैं आपको लेकर। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी वो कर रहे हो, क्योंकि सेकंड चक्रा उनका थोड़ा सा डिसबैलेंस है, और जब ये चक्र बैलेंस में नहीं होता है तब हमारे अंदर थोड़ी सी एक फियर की भावना रहती है, चीज़ों को खोने का फियर रहता है हमारे अंदर। चेक करते हैं कि इन कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है। वन मोर कार्ड, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं कुछ यहाँ पर, आप लोग टेलीपैथी से जुड़े हैं एक दूसरे से, मानसिक तरंगों के द्वारा आप लोग बात करते हैं एक दूसरे से। कुछ व्यूअर्स के लिए है, रेयर ही होंगे। सेल्फ लव, ट्विन फ्लेम्स हैं इसीलिए सेल्फ लव का कार्ड आया है। अगर आप डीप सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपको खुद से प्यार करना चाहिए, खुद से फोकस करना चाहिए, खुद की ज़रूरतों को पहले देखना चाहिए। रिलीज़ योर पास्ट, अगर आपके पास्ट में कोई दर्द रहा है, तकलीफ़ रही है, या आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं तो आपको अपने पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके पार्टनर के आपके लिए डीप हिडन डिजायर्स। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।